तो दोस्तों HDFC बैंक का शेयर कैसे खरीदते हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप भी HDFC बैंक का शेयर खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट होगा तभी आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो HDFC बैंक हो, SBI हो, अडानी के शेयर हो, टाटा के हों या फिर किसी भी कंपनी के शेयर हों। जब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तब तक आप किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। तो डीमैट अकाउंट होगा तो आप उसको ओपन करेंगे तो इसी तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर सर्च बार देखने को मिल जाता है तो इसी पर आपको टैप कर देना है। ऊपर जो सर्च बार मतलब यहाँ पर देखिए सर्च करने के लिए जगह होती है तो इस पर टैप कर देना और यहाँ पर HDFC डाल देंगे तो यहाँ पर जो बैंक है वो नाम आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक लिमिटेड आ चुका है तो इस पर टैप कर देना। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर अभी जो इसकी करेंट प्राइस चल रही है 1745.60 रुपये चल रही है तो इसको ख़रीदने के लिए आपको बाय ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर जो हरे कलर में बाय लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डिलीवरी सिलेक्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिलीवरी सिलेक्ट करें और एक दिन के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरडे तो यहाँ पर डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए ऊपर भी आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर डालना है कि आप कितने शेयर ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पर आप एक ख़रीदना चाहते हैं, दो ख़रीदना चाहते हैं या फिर 10 या फिर 100, जितने भी शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ चार्जेस भी लगेंगे, चार्जेस करीब 4.44 रुपये के हैं। और यहाँ पर आपको मार्केट सेलेक्ट करना है ताकि जितना भी अभी प्राइस चल रहा है उस पर हमारा शेयर ख़रीदा हो जाए। और यहाँ पर इसके बाद आपको करना क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर जो प्लेस बाय ऑर्डर है इस पर टैप कर देना है और इसके बाद जो आपका शेयर है वो ख़रीदा हो जाएगा और ऑर्डर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल जानकारी जो कि मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।